एक क्लास आपका है कक्षा 12 है, और कक्षा 12 में आप लोग को आव्यूह बताया जा रहा था। आव्यूह में देखिए प्रश्नावली के सवाल आपके जो दिए गए थे 3B, उसमें आपका सारा सवाल हो गया था। इसके बाद आपका देखिए आगे चल रहा है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या है? देखिए आपका परिवर्त आव्यूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये आपका देखिए परिवर्त आव्यूह होता है। आपका परिवर्त आव्यूह की क्या परिभाषा होती है? परिभाषा आपकी क्या होती है? किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की में बदल देते हैं और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो वह जो आव्यूह प्राप्त होता है वह हमारा क्या होता है? परिवर्त आव्यूह होता है। परिवर्त आव्यूह की परिभाषा यह है, कोई आव्यूह लेते हैं, उसके जो पंक्तियाँ हैं उसको हम क्या करते हैं? स्तंभ में रख देते हैं, और जो स्तंभ हैं इसको हम क्या करते हैं? पंक्ति में रख देते हैं। उससे जो आव्यूह आपका प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है? परिवर्त आव्यूह होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। और परिवर्त आव्यूह को a^t और या a' से निरूपित करते हैं। आपका देखिए यहाँ पर आपका जो होता है परिभाषा, जैसे आपका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप लोग को बताया गया है। या देखिए हमारा यह आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह को हम क्या है? परिवर्त आव्यूह में बदलते हैं। इसको मान लेते हैं कि यह आव्यूह आपका क्या है? ए है। इस आव्यूह में आपको हम परिवर्त आव्यूह में कैसे बदलते हैं? हम अभी बताए हैं कि जो पंक्तियाँ हैं उसको क्या करते हैं? स्तंभ में बदल देते हैं, और स्तंभ को क्या करते हैं? पंक्तियाँ में बदल देते हैं। तो हमारा जो आव्यूह प्राप्त होता है वह आपका परिवर्त आव्यूह होता है। आपका जैसे यहाँ पर देखिए परिवर्त आव्यूह को at या a' से निरूपित करते हैं। इसको हम देखिए इसको लिख देते हैं 1, 2, 3 और देखिए 4, 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको देखिए यह आपका पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिए हैं, स्तंभ को क्या करते हैं? पंक्तियों में बदल दिए हैं। तो उससे जो आव्यूह प्राप्त होता है वह आपका क्या हो जाता है? परिवर्त आव्यूह प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, किसी आव्यूह के किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर हमें जो आव्यूह प्राप्त होता है वह आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह को at या a' से निरूपित करते हैं।
यह आपकी परिभाषा है। पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं और स्तंभों को क्या करते हैं, पंक्तियों में बदल देते हैं। उससे जो अवयव प्राप्त होता है वह आपका क्या होता है, परिवर्त अवयव होता है। और परिवर्त अवयव को ए टी या ए डैश से निरूपित करते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई परिवर्त अवयव का। और प्रश्नावली में आपके भी सवाल दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको उदाहरण में भी मिलेंगे और इसका उदाहरण भी बता दे रहे हैं। देखिए आपका है इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण आपका है, जैसे आपका दिया गया है अवयव ए दिया गया है 1, 4, 5, 8, 9, 10। यह आपका अवयव है, परिवर्त अवयव क्या हो जाएगा, परिवर्त अवयव ए टी या ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1, 4, 5 हो जाएगा, 8, 9, 10 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, परिवर्त अवयव हो गया। यही आपका क्या है, उदाहरण है। देखिए इसके बाद आपका देखिए दिया गया है, इस प्रमेय को आप लोग जानते रहिए और इस पर क्या है प्रश्नावली के सवाल भी हैं आपके और एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं आपके। देखिए आपका है दो अवयव के गुणनफल का, यह आपका प्रमेय है, दो अवयव के गुणनफल का फल का परिवर्त अवयव, दो अवयव के गुणनफल का परिवर्त अवयव, दो अवयव के गुणनफल का परिवर्त अवयव, उन अवयवों के परिवर्त विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, यह आपका देखिए अगर आपका यहाँ पर दो अवयव दिए गए हैं और दोनों अवयव का हम क्या करते हैं, गुणनफल जो अवयव प्राप्त होता है उसका हम परिवर्त अवयव निकालते हैं, उसका क्या होता है, जो आपका दोनों अवयव अलग अलग दिए हैं उसके परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ए बी आपका ए और बी दो अवयव हैं, उन अवयवों के गुणनफल का परिवर्त अवयव, उन अवयवों के परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर क्या निकालते हैं, दो अवयव दिए गए हैं उसका हम क्या करते हैं, गुणनफल निकालते हैं, उसका हम गुणनफल निकाल कर उसका हम परिवर्त अवयव निकालते हैं, वह आपका क्या होता है, परिवर्त अवयव बी इंटू क्या होता है, परिवर्त अवयव ए के क्या होता है, बराबर होता है। यह आपका देखिए यह प्रमेय है और इस पर आपके क्या हैं सवाल भी दिए गए हैं, आगे आपको प्रमेय बता देंगे। देखिए जैसे आपका दिया गया है सममित अवयव, यह आपका क्या होता है, यह आपका एक प्रमेय दिया गया है और इस प्रमेय पर क्या है आधारित आपके सवाल भी हैं तो आपको आगे बताएंगे।
यह आपका आगे देखिए दिया गया है सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह सममित आप भी होता है देखिए यदि कोई वर्ग आव्यूह दिया गया हो, सममित आव्यूह में कोई वर्ग आव्यूह दिया गया हो, सममित आव्यूह में एक देखिए बात होनी चाहिए कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह की परिभाषा आप लोग जानते हैं, वह आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या हो बराबर है, तो वह आव्यूह क्या, वह आव्यूह आपका क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो देखिए एक ऐसा वर्ग आव्यूह लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं, उसका परिवर्त आव्यूह लेते हैं, तो उस आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो वह आपका आव्यूह क्या कहलाता है? सममित आव्यूह होता है। अर्थात हम क्या करते हैं, कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह दिया गया है उसका हम क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो वह परिवर्त आव्यूह, वह जो दिया गया आव्यूह है उसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा? आपका सममित आव्यूह कहलाएगा। जैसे आपका कोई परिवर्त ए आव्यूह का दिया गया है, यह आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो वह जो आव्यूह दिया गया है उसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आव्यूह क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। देखिए इसमें देखिए मान लेते हैं कि a बराबर आपका, a बराबर आपका देखिए aij, a बराबर aij, इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? a j i हो जाएगा। देखिए क्रम आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यह देखिए जब क्रम बदल जाए तो आपका a डैश बराबर a होता है, तो आपका aij बराबर क्या हो जाएगा? aj i के बराबर हो जाएगा। यह आपका देखिए परिवर्त आव्यूह की आपकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। तो आपका देखिए तो इससे जो आव्यूह प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह हो जाएगा। और यह आपका देखिए उदाहरण भी बता दे रहे हैं इसमें, आपका जैसे आपका दिया गया है उदाहरण, पहले परिभाषा लिख लीजिए। यदि यदि वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे, वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे में ए आई, वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे में ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए, अर्थात अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई, जहां आई जे क्या है? तो ए को सममित आव्यूह कहते हैं, तो ए को सममित आव्यूह आव्यूह कहते हैं। देखिए ये आपका है, इसका उदाहरण आपका देखिए बता दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 2 3 1 आपका कोई आव्यूह और 3 1 3 1 2 यह आपका देखिए आव्यूह दिया गया है, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, वह आपका किसके बराबर होना चाहिए? वह आपके जो दिया गया आव्यूह है उसके बराबर हो जाए, तो वह आपका क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह होगा। तो यह आपकी परिभाषा है और इसका उदाहरण आपका दिया गया है, जैसे आपका यह आपका ए आव्यूह दिया गया है 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, यह आपका आव्यूह दिया गया है, आपका क्या है? इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, ए डैश बराबर हो जाएगा। इसको हम देखिए
परिवर्त आव्यूह का आप परिभाषा जानते हैं कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, स्तंभों को क्या करते हैं, पंक्तियों में बदल देते हैं, तो वह आपका जो आव्यूह प्राप्त होता है वह आपका क्या होता है, परिवर्त आव्यूह होता है। देखिए 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 देखिए मिला लीजिए, यह जो आव्यूह प्राप्त होता है परिवर्त आव्यूह, यह किस आव्यूह के बराबर है, ए डैश बराबर ए के, तो यह आव्यूह क्या कहलाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाए, यह आव्यूह आपका देखिए सममित आव्यूह हो जाएगा। इसी तरह आपका देखिए मान लेते हैं कि ये आपका आव्यूह दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका हम क्या निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, वह किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। आपका देखिए देखिए इसके बाद आपका होता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, आपकी परिभाषा देखिए, यह आपका सममित आव्यूह हो गया और आगे आपका है विषम सममित आव्यूह। देखिए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह हो जिसका हम क्या निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, वह किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए, जो आपका आव्यूह दिया है उसके ऋणात्मक के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो आपका सममित आव्यूह ए डैश बराबर माइनस ए के बराबर आ जाए, तो ऐसे आव्यूह को आप कहेंगे क्या, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। कोई आव्यूह दिया रहे उसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, जो आव्यूह प्राप्त होता है वह किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। आपका जैसे आव्यूह ए दिया गया है ए आई जे और बी हमारा इसका निकालते हैं परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ए जे आई हो जाएगा, और यह आपका देखिए हो जाएगा यहाँ पर ए जे ए डैश बराबर माइनस ए के, तो आपका क्या हो जाएगा ए आई जे बराबर हो जाएगा माइनस ए आई जे आई हो जाएगा। इसके बाद देखिए यह ए आई जे इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए जे आई हो जाएगा। यहाँ पर निकलते हैं क्या, हम आई के स्थान पर क्या लिख देते हैं, या तो जे के स्थान पर हम लिख देते हैं आई लिख देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ए आई आई इक्वल हो जाएगा माइनस ए आई आई हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, आपका क्या हो जाएगा 2 ए आई आई इक्वल 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए आई आई इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए हमारा जो परिवर्त विषम सममित आव्यूह होता है, यदि उसका विकर्ण क्या होना चाहिए 0 0 सभी रहे, और वह आव्यूह क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। जैसे आपका देखिए उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण आपका है विषम सममित आव्यूह में आपको बताया गया एक कंडीशन आपका यह होना चाहिए, उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो वह किसके होने बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर, वह आव्यूह के विपरीत यानी कि आव्यूह का दिया गया हो उसका क्या हो, माइनस के साथ हो, तो वह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है, और या तो उसका मुख्य विकर्ण क्या होता है 0 0 हो, तो वह क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह आपका होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका उदाहरण ए बराबर हमारा दिया गया है यहाँ पर जैसे 0 2
और क्या निकालते हैं माइनस टू और आपका देखिए जीरो हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं इसका क्या है ट्रांसपोज परिवर्त आप भी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा टू हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा और क्या होना चाहिए आपका जीरो हो जाना चाहिए। देखिए यह जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं इसके बराबर नहीं अभी है, यहाँ पर देखिए जीरो टू है, यहाँ पर माइनस टू जीरो है, यहाँ पर क्या है जीरो माइनस टू है और क्या होना चाहिए टू और जीरो है, यह किसके बराबर होना चाहिए माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो आपका देखिए ए तो है नहीं है तो इसमें हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ए डैश बराबर हो जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह आपका जीरो हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यह किसके बराबर है इसके बराबर है आपका देखिए यह किसके बराबर है माइनस ए के बराबर हो गया, ए डैश बराबर माइनस ए तो आपका क्या कहलाएगा यह विषम सममित आप भी हो गया। या तो आप इसे पकड़ सकते हैं देखिए इसका मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, यह आपका विकर्ण क्या होना चाहिए जीरो जीरो दिया है तो आप समझ लीजिए कि यह आपका कौन सा आप भी है विषम सममित आप भी है। यदि मुख्य विकर्ण जीरो जीरो रहे तो आप समझ लीजिए कि यह क्या है विषम सममित आप भी है, या तो आपका क्या हो उसका परिवर्त आप भी माइनस ए के आव्यूह के क्या होना चाहिए बराबर हो तो वो आपका क्या कहलाएगा विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। आपका देखिए इस पर एक दो सवाल बता दे रहे हैं आपको, उसके बाद लगाइएगा घर पर। देखिए इसमें दिया गया है आपका पहला उदाहरण बता दे रहे हैं, देखिए आपका ए दिया गया है 2301 और क्या है बी हमारा दिया गया है 34 और 21 दिया गया है। इसका सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी का होल डैश यानी बी डैश इंटू ए डैश, यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हमें क्या करना है पहले हम निकाल लेते हैं कि बी डैश चाहे आप निकाल लीजिए इसको, देखिए बी डैश निकाल लेते हैं तो बी डैश हमारा क्या आ जाएगा बी डैश हमारा देखिए इस आव्यूह को हम चेंज कर देते हैं 34 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा और क्या निकाल लेते हैं ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा और 01 हो जाएगा, या आपका परिवर्त आव्यूह इसका आ गया। आप क्या निकालेंगे ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं तो क्या आता है ए आपका 2301 और आपका देखिए यहाँ पर 34 है और 21 है, इसका हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, गुणा आप लोग जानते हैं देखिए इसका गुणा इसमें करिए तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा प्लस 3 × 6 हो जाएगा 4 × 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका गुणा इस सारे में हो गया, इसका गुणा करते हैं 0 हो जाएगा, इसका प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका क्या मान प्राप्त होता है यह आपका देखिए 6 × 6 = 12 हुआ है, 8 × 3 = 11 हुआ है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 आपका 12, 11, 2 और 1 प्राप्त हुआ है। इसका हम क्या निकालते हैं परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, यह आपका ए बी डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा आपका 12, 11 और 2 और 1 हो जाएगा, यह आपका देखिए परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। अब क्या करेंगे देखिए इसके मान के क्या होना चाहिए गुणनफल के मान के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो हम क्या निकालते हैं बी डैश इंटू ए डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर है 3, 4, 2, 1 है, आपका देखिए यहाँ पर 2, 0 और 3, 1 हो गया है, इसका हम गुणा करते हैं देखिए गुणा करिए तो आपका क्या मान प्राप्त होता है देखिए 3 × 6 हुआ है प्लस 3 × 6 हुआ है, आपका देखिए इसमें गुणा हो गया प्लस 0 हो गया प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और उसके बाद देखिए 4 × 8 हुआ है और यहाँ पर देखिए 3 हो गया है, यहाँ पर आपका 0 यहाँ पर आपका 1 हो गया है, यह देखिए इसका मान निकालते हैं 6 × 6 = 12 हुआ, 2 हो गया 11 हो गया 1 हो गया, यह देखिए यह आपका जो मान बी डैश इंटू ए डैश आ गया है वह आपका ए बी का होल डैश हमारा जो है इसके मान के क्या है बराबर है।
तो आपका देखिए दोनों मान क्या है, बराबर है, इससे आपका सिद्ध हो जाएगा। और देखिए प्रश्नावली के सवाल आपके दिए गए हैं तो इसको आप लोग हल करेंगे। देखिए आपके प्रश्नावली 3C दिया गया है, निम्नलिखित अवयवों के परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। परिवर्त अवयव केवल ज्ञात करना है, क्या है, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो आपका अवयव क्या कहलाएगा, परिवर्त अवयव कहलाएगा। तो आपका देखिए 3-4-3-5-2-1-0-3 दिया गया है, इसको हम क्या कर देते हैं, आपका बदल देते हैं। देखिए 4-5 हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा, 0-3 हो जाएगा, ये आपका परिवर्तन हो गया है। इसी तरह देखिए आपका बी भी दिया गया है और बी भी आप लगाएंगे, सी भी आपका दिया गया है, उसी तरह आपका परिवर्तन अवयव आपका निकालना है, परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव आप लोग निकाल लेंगे। प्रश्नावली 3C का हमारा देखिए, प्रश्नावली 3C का ए बी सी डी ई एफ आपका देखिए सारे सवाल आप लोग लगाएंगे। और देखिए आपके प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 देखिए आपका, यह अभी बताए हैं, देखिए इस टाइप के सवाल आपको बताए हैं कि अवयव ए दिया गया है, अवयव बी दिया गया है, सिद्ध करके दिखाना है ए बी का होल डैश बराबर हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, यह आपके क्या होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए। इसी तरह आपका देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, इसको हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए 3 में थ्री आपका 3C है, देखिए इसमें दिया गया है आपका ए बराबर है आपका 3-4-1-2-0-1 और आपका बी दिया गया है -1-2-1-1-2-3 है। यह देखिए हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करके दिखाना है। इसके बाद आप लोग देखिए पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी निकालिए, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पर आपका ए डैश है और क्या है, इसको हम क्या निकाल लेते हैं, इसका परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं, यह आपका ए डैश है, इसका हम परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं तो आपका ए प्राप्त हो जाएगा, ए हो जाएगा क्या आपका 3-4-1-2-0-1 है, यह आपका मान प्राप्त होता है। ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए जोड़िए 3 इसमें जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें जोड़िए तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें जोड़ते हैं तो 1 हो जाएगा, इसमें जोड़िए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका क्या निकाल लेते हैं, परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2-1-1-5-4-4 या किसके मान के बराबर आना चाहिए, आपका ए डैश प्लस बी डैश के मान के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसको आप लोग क्या है आगे लगाएंगे, कल आपको बताया जाएगा।